हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं बताने वाली हूँ रेडीमेड काफ्तान की स्टिचिंग कैसे करें। किसी भी साइज का आप इसको बना सकते हैं। तो ये रेडीमेड काफ्तान है, तो इसकी स्टिचिंग करके दिखाऊंगी मैं। तो ये देखें, तो इसमें गला जो है पहले से ही बना हुआ है, मगर ये बड़ा है तो इसे भी छोटा करके दिखाऊंगी और इसकी फिटिंग करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये इसकी लंबाई 37 इंच है और ये डबल में 20 इंच है इधर से। तो इसकी फिटिंग का हम निशान लगा लेते हैं। तो ये मैं 14 साल की लड़की का बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए हम इसे इस तरह से मुड्ढों से पकड़कर डबल कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, मैंने ये डबल फोल्ड करके इसे बिछा दिया है। तो कोई भी इनर हो आपकी या फिर जो भी साइज हो, उस हिसाब से निशान लगा लें। तो ये इसके लिए इनर बनाई है, तो इससे ही निशान लगाऊंगी मैं। तो इनर बनाने की वीडियो मेरी डली हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इस तरह उसे रख कर ऐसे हमें इसे रखेंगे और इस यहाँ से हमें निशान लगा देना है, ठीक है। तो अपने सूट का भी नाप आप लेकर मुड्ढों से निशान लगा सकते हैं यहाँ से, और बाकी हिस्से पे नहीं, बस यहीं से आप निशान लगा सकते हैं। तो ये फिटिंग का निशान है, तो इसे हम लगा देते हैं। ये देखिए यहाँ से, तो यहां तक लगाना है। तो इसी निशान पे हमें फिटिंग करनी है, यहां से यहां तक हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। तो दोनों तरफ हम इसी यहीं से यहां तक लगाएंगे सिलाई। तो सबसे पहले हम इसे चारों तरफ मोड़ लेते हैं, ये मुड़ा हुआ नहीं है, तो चारों तरफ से हम इसे मोड़ लेते हैं, फिर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इतना मोड़ना है हमें। तो चारों तरफ हम इसी तरह सिलाई लगा देते हैं इसे मोड़ते हुए। तो देखिए फिटिंग की सिलाई मैंने ये लगा दी है, तो दोनों तरफ लगा दी है ये फिटिंग की सिलाई। तो फिटिंग लगाते हुए इस बात का ध्यान रखें, ऐसे ही सीधा रखकर और जहाँ से निशान है वहीं से सिलाई लगा देनी है सीधे पे ही, ठीक है। तो जैसे हमने ये सीधा रख रखा है, तो इस पे ही हमें निशान लगाकर सिलाई लगा देनी है, ठीक है। तो अब इसका गला बनाएंगे हम, तो गला बहुत बड़ा है ये, ठीक है। तो इसको मैं छोटा करूँगी, तो ये काफ़ी बड़ा गला है और मैं इसे छोटा करने वाली हूँ, तो वो देखें कैसे करेंगे। तो उसके लिए मुझे ये ब्लैक कपड़ा लगाने वाली हूँ इसमें मैं। तो 2 इंच की पट्टी काट लूँगी ऐसे, ठीक है। तो देखें दो पट्टियाँ काटूँगी, तो कपड़े को मैंने डबल कर लिया है ये इस तरह से, और फिर इसे मोड़ कर ऐसे तरह मोड़कर मैं इसे 2 इंच का कट करूंगी इस तरह नाप कर, ठीक है। ये 2 इंच है, तो इस इतना ही कट करना है। तो ऐसे निशान लगा लेते हैं हम, और इस निशान को कट कर देते हैं। यहां से भी कट कर देते हैं इसे, ठीक है। तो इस तरह अब इस पे हम प्रेस कर लेते हैं, पहले हम इसे प्रेस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, प्रेस कर ली है मैंने इन पे,
और इस तरह से फोल्ड करके डबल प्रेस से अच्छे से ये जमा दिए प्रेस। तो इस इनको पहले सीधा करेंगे हम ऐसे, दोनों पट्टियों को हम सीधा करेंगे इस तरह से, ठीक है, और ऐसे रखेंगे, दोनों को मिलाकर सीधा करके ऐसे रखेंगे इसके अंदर। ये जो नोक है ना, ये देखिए, ये जो नोक वाला हिस्सा है जो हमने प्रेस से फोल्ड करा है, इस पे रखना है, ठीक है, नोक वाला हिस्सा ये प्रेस वाले क्रीज पे रखना है ऐसे, और इनको ऐसे मिलाना है, ठीक है। तो इनको नीचे वाले हिस्से को बराबर रखना है, और ये जो प्रेस का निशान है ना, इस पे नोक वाला हिस्सा रखकर ऐसे और ऐसे ये गला रख देना है, फिर यहाँ निशान लगा लेते हैं। और इसी तरह इधर लगा लेते हैं, ठीक है, तो ये निशान लग गया, ये देखिए, इसे बराबर पकड़ के हमें सिलाई लगानी है, ठीक है, यहाँ से ऐसे, फिर इधर ऐसे, तो ये सिलाई हम लगा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पे मैंने सिलाई लगा दी है इस तरह से, तो अब इसे हम सीधा कर लेते हैं ऐसे। देखें इस तरह पकड़कर, इसको हमें ऐसे सीधा कर लेना है, ठीक है। तो इस पे हमें प्रेस कर देनी है, प्रेस से अच्छे से जमा देना है इसे। ये देखें दोनों तरफ से इस तरह पकड़ कर और प्रेस कर देनी है इस पर, ठीक है, इस तरह से। तो पूरे उस पे इस तरह कर दें, ठीक है। अब इसको हमें गले में लगाना है, तो देखें गले में हमें इस तरह लगाना है, ये जो नोक है इसको हमें यहाँ रखना है ऐसे, क्योंकि ये बना हुआ गला है तो हमें इसे इसी तरह लगाना है ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पिन लगा देनी है, नोक से नोक मिलाकर रख दें, फिर इस तरह से पिन लगा लें, ठीक है, ऐसे, फिर इसे नापते हुए ऐसे ले जाएंगे और पिन्नी लगा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बीच में लगा लें, तो जितना छोटा करना हो उस हिसाब से आप इसे लगा लें। तो सारी पूरे गले में हम इस तरह ही पिन्नी लगा लेते हैं ऐसे, ठीक है। फिर हम यहाँ सिलाई लगा देंगे, तो ये देखें ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, मैंने यहाँ पिने लगा दी हैं, और ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, पहले इसे थोड़ा सा ज़्यादा इस तरह से कट कर देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा करा है कट, तो ऐसे इसको हमें मोड़ना है इस तरह से डबल करके ऐसे, ठीक है, तो ऐसे पिन लगा देंगे हम, ठीक है। यहाँ हमें सिलाई लगा देनी है, तो पहले हम पिन लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे। तो दूसरी तरफ भी हम इसी तरह करेंगे, तो पिने मैंने अटैच कर दी हैं, तो अब यहाँ पर मुझे सिलाई लगा देनी है इसी तरह रखकर, ऐसे ही रखकर ऐसे सिलाई लगा देनी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है,
तो सबसे पहले हम ये वाली सिलाई लगाएंगे। स्पिन को हम निकाल देते हैं और फिर पूरे पे सिलाई लगा देते हैं। तो ये लग गई। अब इसी को यहाँ रखकर जैसे मैंने पिन लगाई है ना, उन्हें तो लगा रहने देना। ऐसे रखकर क्योंकि हमें पीछे का नहीं करना है, बस आगे का ही गला छोटा करना है। तो यहां लगानी है हमें सिलाई। पहले अच्छे से पक्का कर देंगे। तो सिलाई लगाते जाएंगे और पिने निकालते जाएंगे। पूरे गले में हम इसी तरह लगा लेंगे। देखिए नोक वाला हिस्सा है। इसे नोक से यहाँ रोककर ऐसे मोड़ लेंगे और फिर इस तरह से रख कर देख लेंगे। ठीक है, ऐसे। और फिर इधर साइड से तो ये पूरे में लगा देंगे इसी तरह। तो देखिए फ्रेंड्स, गला मैंने छोटा कर दिया है। ये देखिए इस तरह से मैंने ऊपर से रख के सिलाई लगा दी। ये काफी अच्छा लग रहा है। तो इसको यहाँ देखें, तो इसे मुझे पीछे वाले गले में अटैच करना है। तो हाथ वाली सुई से ऐसे पकड़कर तुरपाई कर देनी है। देखिए इससे ऐसे तुरपाई कर देंगे तो बिल्कुल सफाई आ जाएगी इसमें और एकदम अच्छा सा बन जाएगा। तो ऐसे पकड़ें, ठीक है, पीछे बैग वाले गले से मिलाकर इस तरह पकड़कर ऐसे तो ऐसे पूरे यहां तक कर दें। तो दूसरा वाला भी हम इसी तरह कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने गला तैयार कर दिया है। ये दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये जोड़ दिया और इसे इस साइड। तो ये पूरा काफ्तान बनकर तैयार है और गला भी छोटा हो गया। तो अब मैं इसमें नीचे पॉम पॉम लगाने वाली हूँ। तो देखें ये वाले मैं पॉम पॉम इसमें लगाऊंगी नीचे नीचे दामन में इस तरह से। ये देखिए यहाँ कोने से शुरू करूंगी ऐसे लगाते हुए। तो पूरे उसमें लगा लेते हैं फिर दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें पॉम पॉम लगा दिए हैं। ये पूरा तैयार हो गया है। तो काफी अच्छा लग रहा है ये। तो इसका गला भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए ये बिल्कुल सफाई से ये बन गया है और छोटा भी हो गया। और ये देखें, ये देखें काफी सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से मैंने पॉम पॉम लगा दिए हैं दोनों तरफ। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर वीडियो कैसी लगी
तो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपको मिले।